दीपिका पादुकोण के करियर की शुरुआत हुए एक डिकेड और हाफ का समय हो चुका है और वे इतने समय में ही इंडस्ट्री की लीडिंग एक्ट्रेस बन गई हैं। उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और लोगों के बीच अलग ही क्रेज है। आज भी उनकी एक झलक पर नौजवानों के दिल धड़क उठते हैं। जो भी उनकी एक्टिंग देखता है उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। दीपिका की खास बात यह है कि इंडस्ट्री में उन्होंने काफी आलोचनाएं भी झेली हैं, पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं और इसके बाद भी उन्होंने अपने करियर पर इसकी आंच नहीं आने दी, इसलिए तो वो बॉक्स ऑफिस की क्वीन है। जी हाँ, इसमें कोई दोराय नहीं है कि शाहरुख खान एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस के किंग बन गए हैं। उनकी सबसे ज्यादा फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं और इसके बाद उनकी दो फिल्में बैक टू बैक 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं। कई फिल्मों ने 100, 200 और 300 करोड़ हासिल किए। इस लिहाज से देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस के असली किंग तो शाहरुख खान ही हैं। वहीं दीपिका पादुकोण के साथ भी यही मापदंड जो है सही साबित होता है। इंडस्ट्री में वह इकलौती एक्ट्रेस हैं अब तक जिनकी 9 फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और उनके बाद आलिया भट्ट, करीना कपूर और कैटरीना कैफ का नंबर आता है जिनकी 7 फिल्में ही अब तक ये कारनामा कर सकी हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण उन दो फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इस लिहाज से देखा जाए तो बिना किसी बहसबाजी के दीपिका पादुकोण को बॉक्स ऑफिस की क्वीन कहा जाना गलत नहीं होगा। दीपिका को लगता है कि पिछले कुछ फिल्मों में एक्शन का चस्का लग गया है। वे अपनी फिल्मों में जमकर एक्शन करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे ही किरदार भी ले रही हैं। अब वे ऋतिक रोशन और अनिल कपूर संग फाइटर फिल्म में नजर आएंगी और इस फिल्म में भी फैंस को काफी उम्मीद है और इस फिल्म में भी वो कहीं ना कहीं एक्शन सीन्स देते हुए नजर आएंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े इंडिया न्यूज के साथ।